हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप। वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। मैं हूं अभी ओमान का मस्कट सिटी में और मैं बिलोंग्स करता हूं मैकेनिकल बैकग्राउंड से। और हम लोग का जो टॉपिक है आज है सेंट्रीफ्यूगल पंप का बारे में। सेंट्रीफ्यूगल पंप का बारे में जो टॉप 20 क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, उसका बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। जो मेरा चैनल में आज नया है, प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर करना ना भूलिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं टॉपिक के ऊपर में और डिस्कशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का बारे में टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रताप ब्लॉग्स। और हम लोग को जो आज टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का बारे में टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टॉप 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है? है क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसका बारे में हम लोग पहले जान लेंगे। पहला क्वेश्चन तो कोई भी इंटरव्यू जाएगा तो यही पूछेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है। देख लेते हैं आंसर। आंसर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर द मैकेनिकल डिवाइस व्हिच ट्रांसपोर्ट वेरियस फ्लूइड्स बाय कन्वर्टिंग देयर काइनेटिक एनर्जी इंटू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी। जरूर इसको याद रख लीजिए, यही प्रॉपर आंसर दीजिए कोई भी इंटरव्यू में जा रहे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है व्हिच ट्रांसफर करता है वेरियस फ्लूइड को, ट्रांसफर करता है कन्वर्टिंग देयर काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द नेम सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम क्यों सेंट्रीफ्यूगल पंप हुआ? व्हाई, कि उसका पीछे क्या कारण है? उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, इसीलिए उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया गया। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको यूज करता है, इसीलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम दिया गया है। जरूर इसको याद रख लीजिए, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है पूछेंगे, बाद में क्यों उसका नाम हुआ उसको पूछते हैं बहुत सारे इंटरव्यू में, मैं फेस किया हूँ खुद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एनर्जी कन्वर्सेशन टेक प्लेस इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में एनर्जी का कैसे कन्वर्सेशन होता है, कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी तक वो फ्लो करता है, उसका बारे में जान लेते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, द सेंट्रीफ्यूगल पंप हाइड्रोलिक एनर्जी इन बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो कन्वर्टिंग हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर हो गया ड्राइव सेक्शन में, बीच में रह गया कपलिंग का कुछ, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो लास्ट में हो गया, वो जैसे कि होता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी से कन्वर्टिंग करता है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्टिंग करता है काइनेटिक एनर्जी को। जरूर इसको याद रख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंप केसिंग? जो पंप केसिंग होता है वो 3 टाइप का होता है, आपको मालूम होगा। उसका काम क्या है, वो क्यों 3 टाइप का भी बनाया गया है, केसिंग का काम क्या है? केसिंग का काम, आंसर का तरफ चलते हैं। आंसर है, केसिंग कन्वर्ट्स वेलोसिटी हेड फ्रॉम इंपेलर इनटू प्रेशर हेड एंड ऑल्सो गाइड्स द फ्लो टू डिस्चार्जेंट। जरूर ये वाला को जरूर याद रख लीजिए, केसिंग कन्वर्ट्स वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड जो होता है उसको कन्वर्ट करता है फ्रॉम इंपेलर इनटू प्रेशर हेड, जो वेलोसिटी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करता है एंड गाइड करता है फ्लो को टू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होने का टाइम में फ्लो को गाइड भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूट? वॉल्यूट जो होता है, वॉल्यूट केसिंग का एक 3 टाइप का वॉल्यूट वोर्टेक्स और 3 टाइप का केसिंग होता है, उसमें से एक वॉल्यूट। वॉल्यूट का मीन्स क्या है उसको जान लेते हैं पहले। ये वॉल्यूट इज ए स्पायरल लाइक जियोमेट्रिक विथ एन इंक्रीजिंग थ्रो फ्लो एरिया रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड इंक्रीजिंग द स्टैटिक प्रेशर। जो वॉल्यूट होता है, वॉल्यूट होता है स्पायरल लाइक, एक जियोमेट्रिकल थ्योरी का इंक्रीज होता है वो, कि फ्लो एरिया को कंट्रोल होता है, वो इंक्रीज करता है स्टैटिक प्रेशर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन है और इसको जरूर याद रख लीजिए। प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लूइड एंटर्स द इंपेलर थ्रो इनलेट आई एंड एग्जिस्ट अलोन ए सर्कमफ्लक्स बिटवीन द वेन्स ऑफ इंपेलर। दिस इंपेलर इज कनेक्टेड टू शाफ्ट एंड इन टर्न टू मोटर। दिस रोटरी मोशन ऑफ द इम्पेलर कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी टू द फ्लूइड इनटू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी। ये यही आंसर बता रहा है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोडायनामिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देख लीजिए पंप का कुछ ऐसी तरह एक फिगर आउट रहता है, एक इम्पेलर रहता है, इम्पेलर वेन है, ड्राइव शाफ्ट है, आई है, वॉल्यूट केसिंग है, सक्शन है
और वॉल्यूट चैम्बर है, आउटलेट डिस्चार्ज है, जरूर इसको याद रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर कितना टाइप का है? सेंट्रिफ्यूगल पंप तो देख लिए, केसिंग तीन टाइप का है, इम्पेलर कितना टाइप का है? इम्पेलर भी तीन टाइप का है। इम्पेलर है पहला जो दिखा रहा है इमेज में, ओपन इम्पेलर है। जो दूसरा है वो सेमी ओपन इम्पेलर है। जो लास्ट वन है वो है क्लोज्ड इम्पेलर। थ्री टाइप का इम्पेलर, थ्री टाइप का पंप भी है और थ्री टाइप का इम्पेलर भी है, जरूर याद रख लिए, ओपन, सेमी ओपन एंड क्लोज्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोटरी एंड स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ ए पंप। एक पंप का रोटरी पार्ट क्या होता है और स्टेशनरी पार्ट क्या होता है? रोटरी मतलब कौन सा पार्ट घूमता है पंप का साथ में, और कौन सा पार्ट स्टेशनरी मतलब स्थिर रहता है। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, जो रोटरी पार्ट होता है वो होता है शाफ्ट, होता है घूमता है, इम्पेलर भी घूमता है, शाफ्ट का स्लीव जो होता है वो भी घूमता है, और बेयरिंग्स जो बेयरिंग होता है वो भी घूमता है पंप का साथ में। जो स्टेशनरी यूनिट होता है वो है पंप केसिंग, जो पंप केसिंग स्थिर रहता है, उसका ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील वो भी स्थिर रहता है, और उसका लैंटर्न रिंग जो होता है वो भी फिक्स रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पंप सक्शन साइड। जो पंप सक्शन का साइड में एसेंट्रिक रिड्यूसर क्यों यूज करते हैं, उस पर लगाने से फायदा क्या होता है? उनका आंसर का तरफ चलते हैं। आंसर है, टू अवॉइड एयर लॉकिंग एंड कैविटेशन एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज टू सक्शन हेड। हम लोग अवॉइड करते हैं एयर लॉकिंग और कैविटेशन को, इसीलिए हम लोग एसेंट्रिक रिड्यूसर देने से हम लोग ये कैविटेशन और एक एयर लॉकिंग का सिस्टम वो नहीं आता है, इसीलिए हम लोग एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द NPSS इन पंप। जो NPSS बहुत सारा इंटरव्यू में पूछता है, NPSS का फुल फॉर्म क्या है, जरूर इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, इट इज द, उसका मीनिंग रहता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रहता है। NPSS का फुल फॉर्म होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। इट इज द नेट पॉजिटिव हेड रिक्वायर्ड एट ए पंप सक्शन टू अवॉइड कैविटेशन। हम लोग कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो पंप का सक्शन का जो नेट पॉजिटिव हेड को हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं, NPSS का फुल फॉर्म वही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैविटेशन। हम लोग कैविटेशन से, वो जो टर्म होता है कैविटेशन का, उससे क्या समझते हैं? कैविटेशन इज द फर्मेंटेशन एंड कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स एट पंप सक्शन। कैविटेशन एक ऐसा चीज़ होता है, वो होता है फर्मेंटेशन एंड कोलैप्सिंग ऑफ वेपर। जो कोलैप्सिंग एंड फर्मेंटेशन होता है वेपर बबल्स एट इन पंप सक्शन में, जो वेपर बबल्स का कोलैप्स होना उसको हम लोग कैविटेशन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द कैविटेशन डज इफेक्ट द पंप लाइफ। कैसे कैविटेशन कैसे पंप लाइफ को कम कर देता है, उसके बारे में जानते हैं। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, कैविटेशन कॉजेस, क्या कारण, क्या डैमेज कर सकता है कैविटेशन इन पंप। जो वाइब्रेशन होता है पंप में, वाइब्रेशन इन पंप, डैमेज ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर को डैमेज कर सकता है, हैवी नॉइज, जो हैवी नॉइज आता है वो कैविटेशन का वजह से भी हैवी नॉइज आता है, वाइब्रेशन आता है एंड डैमेज इम्पेलर आता है, जरूर याद रख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर सेंट्रिफ्यूगल पंप्स डिजाइन। हम लोग क्या क्या फैक्टर लेते हैं एक सेंट्रिफ्यूगल पंप का डिजाइन को मेंशन करने के लिए, बनाने के लिए। ज़्यादातर पांच चीज़ यूज होता है हम लोग का। एक होता है फ्लो रिक्वायर्ड, हम लोग कितना फ्लो रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हम लोग डिजाइन बनाते हैं। उसका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कितना रहना चाहिए और कितना रिक्वायर्ड है उसका भी चाहिए, और टोटल हेड उसका कितना रहना चाहिए उसको भी डिपेंड करता है। पंप का डिजाइन क्या है, पंप का एफिशिएंसी क्या है, और फ्लूइड हम लोग कौन सा फ्लूइड में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग जरूर ध्यान में रख के पंप का डिजाइन सिलेक्शन करते हैं, जरूर इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर पंप केसिंग। हम लोग पंप केसिंग बनाने में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। चलते हैं आंसर का तरफ। आंसर है, जनरली कास्ट स्टील में हम लोग बनाता है, नहीं तो कास्ट आयरन में बनाता है, जरूर इसको याद रखिए, कास्ट स्टील नहीं तो कास्ट आयरन में बनाते हैं सेंट्रिफ्यूगल पंप का केसिंग जो है, जिसका मटेरियल रहता है वो कास्ट स्टील व कास्ट आयरन रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर इम्पेलर। हम लोग इम्पेलर का मटेरियल क्या होता है, इम्पेलर हम लोग जो कंस्ट्रक्शन इम्पेलर का होता है वो कौन सा मटेरियल में होता है, उसका आंसर का तरफ चलते हैं। आंसर है, इम्पेलर्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, गन मेटल्स एंड स्टेनलेस स्टील्स।
ज़्यादातर हम लोग इम्पलर जो होता है वो कास्ट आयरन में, गन मेटल में या तो स्टेनलेस स्टील में बनाया होता है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। और आज का टॉपिक जो था हम लोगों का सेंट्रिफ्यूगल पंप के बारे में, टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कहीं पे आप समझ नहीं पा रहे तो जरूर मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उधर में आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और आपको कहीं नया नया इक्विपमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिलेटेड मैं वीडियो बना के लेके आने के लिए कोशिश करूँगा। और आज का वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, दोस्त लोग के साथ शेयर करना ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं ऐसा आपके लिए नया नया वीडियो लेके आ सकता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सलाम आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।